हे गाइस, दिस इज़ द ऑलोक एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो आर्टिस्टिक अप्रोच का फर्स्ट एपिसोड में स्टार्टिंग किया था और आज उसका सेकेंड एपिसोड है, और इस एपिसोड में किस तरीके से निडर इरेजर यूज़ कर सकते हो उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इरेजर को अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए और देन उसके बाद फ्लो के साथ चलाने की शुरू कर दीजिए। जैसे कि रेफरेंस फोटोग्राफ में जिस तरीके से वाइट हेयर या फिर वाइट बियर्ड आपको नज़र आएगा, उसी के हिसाब से आप लोगों को एक फ्लो के साथ यूज़ करना पड़ेगा। अक्सर मैं यही नोटिस करता हूँ, जो वेगनर्स होते हैं वो बहुत डर के साथ इरेजर चलाते हैं, तो इसी के हिसाब से वो फ्लो नहीं दे पाते। तो फ्लो देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खासकर इस तरीके का ड्राइंग करने के लिए और वाइट हेयर बनाने के लिए। तो गाइस, अच्छे से मेरा हैंड्स का मूवमेंट जो है, उस मूवमेंट को अच्छे से आप ऑब्जर्व करो और आप लाइट एंड शेड के थ्रू चलते। और गाइस, यहाँ पर मैं सिर्फ वाइट हेयर को जस्ट फील किया, ना कि डिटेल में वर्क किया, जस्ट फील किया। आर्टिस्टिक वर्क में तो आपको सबसे मेन चीज़ जो आपको पकड़ना है, लाइट एंड शेड के थ्रू जो उसका वैल्यू पेपर की फॉर ट्रांसफर करना। और गाइज, अभी मैं हेयर का जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, जो डार्कर वैल्यूज़ है उसको मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। अब लोगों इसी तरीके से डार्कर वैल्यूज़ को बढ़ाते जाना है, अंदर उसके बाद इरेजर चला के अगर आपका ड्राइंग में वाइट हेयर है तो आप इरेजर चला के उसमें वाइट इफेक्ट डाल सकते हो। और गाइस, फर्स्ट एपिसोड में बताया था जो बैकग्राउंड शेडिंग के बारे में, तो आप लोगों को अभी समझ में आया होगा बैकग्राउंड शेडिंग क्यों मैंने किया था या फिर क्यों मैंने कर रहा हूँ बैकग्राउंड शेडिंग। तो बैकग्राउंड शेडिंग का पर्पस यही है कि वाइट जो हेयर है टॉप ऑफ में वाइट हेयर ये या फिर साइड में कुछ वाइट हेयर आपको नज़र में आ रहा है, तो इसीलिए मैं उसको वाइट हेयर बनाने के लिए बैकग्राउंड को शेडिंग किया हूँ। तो और अभी मैं देखो, मैं शेडिंग करने के बाद अभी मैं निडर इरेजर यूज़ करके फिर हाईलाइट दे रहा हूँ, और अभी मैं मोनो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि साइड में जो एक एक हेयर बाहर की तरफ चल रहा है उसको ड्रॉ करने के लिए मैं मोनो इरेजर भी यूज़ कर रहा हूँ। और बाहर की तरफ जो हेयर जाते हैं उस हेयर को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है। और गाइस, अभी मैं देखो सिर्फ शेडिंग को जस्ट फील कर रहा हूँ, फर्स्ट लेयर में कोई डिटेल नहीं कर रहा हूँ। अब लोगों को डिटेलिंग वर्क नहीं करना है, जस्ट आपको फील करना है यहाँ पर डार्क है कौन सी जगह पे, लाइट है और हाईलाइट कौन सी जगह पे है, यही जस्ट आपको फील करना है, कोई डिटेल वर्क नहीं करना है। गाइस, इस तरीके का ड्राइंग करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, पहले से आप हायर ग्रेड पेंसिल यूज़ कीजिए, जैसे कि 9B हो गया, 8B हो गया या फिर 10B हो गया, ये सब ये जो हायर ग्रेड पेंसिल होता है उसको यूज़ कीजिए क्योंकि आप लोगों को जस्ट फील करना है, अंदर उसके बाद डार्कनेस को ऑफ करना है। डार्कनेस को ऑफ करने के बाद इरेजर चला के आपको लाइट टोन निकालना है। गाइस, ये बात मैं फर्स्ट एपिसोड में भी बोला और इस एपिसोड में भी बोल रहा हूँ क्योंकि इस ये जो बात है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है। और गाइस, आप जब इस तरीके का ड्राइंग करोगे तो आप फिनिश के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोसेस दिखाया जाता है आप कौन सी टेक्निक यूज़ करके इस तरीके का ड्राइंग अचीव करते हो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो इस प्रोसेस से अगर आप ड्रॉ करते हो तो एक अच्छा आर्टिस्ट का भी पहचान होता है, क्योंकि रियलिस्टिक शेडिंग पे तो उसमें तो आप जो आउटलाइन होता है उस आउटलाइन को पहले ही ड्रॉ करते हो अंदर उसके बाद शेडिंग भर भर के करते हो, तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं। बात ये है कि आप बिना आउटलाइन की फॉर इस तरीके का ड्राइंग उसका जो प्रोपोर्शन होता है उसको आप मैच करा सकते हो, तो यही बड़ी बात है सबसे। गाइज, इसको मैं यहाँ पर ही रखता हूँ, इसको और ज़्यादा फिनिश नहीं करूँगा। खैर, इसको और भी ज़्यादा फिनिश किया जा सकता है लेकिन इसको और ज़्यादा फिनिश नहीं करूँगा क्योंकि आर्टिस्टिक वर्क थोड़ा सा अधूरा ही अच्छा लगता है। गाइज, इस वीडियो
वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला है और अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बोलो इस वीडियो कैसे लगा। और आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, वो भी ड्राइंग के रिलेटेड। और अभी तक मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल वाला बटन है ना उसको सफेदी की चमकर दे दो यार, क्योंकि हम ड्राइंग सिखाते रहते। तो गाइस मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।